Crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, get the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just watch the place the bullets fly, I'm the last one to die. नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज महिंद्रा 585 डी एक्सपी प्लस ट्रैक्टर का एक रिव्यू वीडियो लेके आऊँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी शानदार अच्छी लुक के साथ आपको ट्रैक्टर देखने को मिलेगा। मेटेलिक ट्रैक्टर में पेंट देखने को मिलेगा जिसकी शाइनिंग काफ़ी शानदार है। रेड कलर का इस ट्रैक्टर में आपको अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। ट्रैक्टर में अच्छा आपको क्रोम फिनिश के साथ इसमें आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। लुकिंग की बात करें, सिंपल सोकर लुक आ रहा है। अगर इसमें आपको एरोडायनेमिक लुक देखने को मिलेगा तो वो सीरीज चेंज आ जाएगी। तो इसमें आपको यूवो सीरीज के अंदर आपको एरोडायनेमिक लुक का आपको ऑप्शन मिलेगा। जिस किसान भाई को जो चाहिए वो महिंद्रा आपको प्रोवाइड कर पा रही है। एरोडायनेमिक ट्रैक्टर में इसमें लुक यूवो में आएगा। नीचे इसमें आपको हैवी लोड देखने को मिल जाएगा 100 kg का राउंड। धनुष के आकार वाला इस ट्रैक्टर में आपको एक्सल देखने को मिलेगा। महिंद्रा एक क्रोम फिनिश के साथ फ्रंट में ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगी। मेटेलिक शानदार पेंट है। और ट्रैक्टर में आपको फ्रंट टायर की साइज की बात करें, इस ट्रैक्टर में 7/50-16 के इस ट्रैक्टर में फ्रंट टायर का साइज देखने को मिलेगा। और ट्रैक्टर में आपको महिंद्रा 585 डी एक्स प्लस की क्रोम फिनिश के साथ ब्रांडिंग मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। 50 HP का इसके ट्रैक्टर का इंजन है। ट्रैक्टर में 4 सिलेंडर पावर देखने को मिलेगी 3054 cc पावर के साथ। और इंजन रेटेड RPM 2100 इंजन रेटेड RPM। वाटर कूल कूलिंग सिस्टम है। 3 स्टेज का ऑल बार टाइप का प्री क्लीनर का एयर क्लीनर देखने को मिलेगा ट्रैक्टर में। 50 HP की कैटेगरी में महिंद्रा ही आपको 4 सिलेंडर पावर देती है। बाकी कंपनी के आप कोई भी ट्रैक्टर देख लेना, 50 hp में आपको 3 सिलेंडर पावर देती है। ट्रैक्टर में सिंगल डीजल फिल्टर, ड्यूल एक्टिव पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलेगा। धनुष की आकार वाला एक्सल जिसकी कटाई थोड़ी ज़्यादा रहती है मैनुअल जैसे जो स्ट्रेट एक्सल रहता है उससे। ट्रैक्टर में आपको 4 सिलेंडर पावर अच्छी बैकअप पावर मिल रही है, तो कोई कमी नहीं आ रही। लोहे का टूल बॉक्स मिल जाएगा। 44.9 hp की PTO पावर मिलेगी जो कि लमसम 45 hp की रहती है। 6 साल की इस ट्रैक्टर में आपको ब्रांड वारंटी मिलेगी। जो XP सीरीज का ट्रैक्टर है उसमें 6 साल की वारंटी मिल रही है, जो कि कोई भी ट्रैक्टर कंपनी में आपको महिंद्रा और स्वराज के अलावा कोई नहीं प्रोवाइड करा रही। ट्रैक्टर में टॉर्क बैकअप पावर भी काफ़ी शानदार है। 198 Nm की टॉर्क पावर देखने को मिलेगी। पीछे वाले टायर की साइज़ की बात करें इस ट्रैक्टर में आपको, पीछे वाले टायर में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, 14/9/28 और 16/9/28 का भी इसमें ऑप्शन मिल जाता है, अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रैक्टर की प्लेटफॉर्म के बारे में। एडजस्टेबल कंफर्टेबल सीट रहने वाली है। सेंटर शिफ्ट गियरबॉक्स मिलेगा, फुल्ली कॉन्स्टेंट मैच गियरबॉक्स। MK माइलेज का मास्टर आप जानते हैं महिंद्रा, सबसे ज़्यादा माइलेज में आपको आगे देखने को मिलेगा। 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गियर, ड्यूल क्लच सिस्टम आज इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलेगा। इस ट्रैक्टर में मुझे सबसे एक ड्रॉबैक यही लगा, ट्रैक्टर का प्लेटफॉर्म थोड़ा कंजेस्टेड है। कंपनी को साइड गियर में इस सीरीज के अंदर देना चाहिए था पर कंपनी ने नहीं दिया। और मीटर में भी कोई चेंज नहीं गया। बाकी ट्रैक्टर पावर के अंदर और माइलेज में सबसे बेस्ट है। एनालॉग टाइप का मीटर है, तो कंपनी को मीटर और प्लेटफॉर्म में थोड़ा चेंज करना चाहिए। 12 वोल्ट का इसमें आपको चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। ड्राइविंग व्यू की बात करें तो ये देख लीजिए आप, ड्राइविंग व्यू आपको अच्छा देखने को मिलेगा। फॉरवर्ड की स्पीड इसकी 30 किलोमीटर पर आवर की, रिवर्स स्पीड 11.9 किलोमीटर पर आवर की रिवर्स स्पीड है। ये आपको डिस्ट्रीब्यूटर का लीवर देखने को मिल जाएगा। PCDC लीवर इस साइड आपको 11.9 किलोमीटर पर आवर की इसकी रिवर्स स्पीड देखने को मिलेगी। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें, ऑयल इमर्स ट्रैक्टर में ब्रेक्स देखने को मिलेंगे। ट्रैक्टर में आपको ड्यूल एक्टिव पावर स्टीयरिंग रहेगा। 12 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट जो एक अच्छी बॉक्स की प्रोटेक्शन में मिलेगा आपको। CRPTO सेक्टर में आपको देखने को मिलेगी। MRPTO जो कहते हैं 540 चक्कर जनरेट करेगी। 50 लीटर का एक फ्यूल टैंक का आपको बैकअप भी इस सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा। MKM माइलेज का मास्टर। बाकी आप 50 hp की कोई भी कंपनी के साथ इस ट्रैक्टर को लगा लेना, माइलेज इस ट्रैक्टर को आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। जब भी महिंद्रा के ट्रैक्टर ज़्यादा सेल रहते हैं और नंबर 1 कंपनी है इंडिया के अंदर। पीछे की बात करें इस ट्रैक्टर की एक खासियत यह है, इसके लिंकेज काफ़ी ट्रैक्टर ने बहुत शानदार मजबूत लिंकेज है। एक्सल भी इसका काफ़ी शानदार है। एडजस्टेबल आपको इसमें हुक मिल जाएगा और ट्रैक्टर में इस साइड में आपको टॉप लिंक डीलर लगा के देगा, हुक वगैरह बम्पर वगैरह। बोतल होल्डर मिल जाएगा पीछे की तरफ, रिफ्लेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी देखने को मिल जाएगा ट्रैक्टर में आपको पीछे की तरफ। और हाइड्रोलिक क्षमता की बात करें, 1800 kg इस ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक क्षमता है। और डबल डिस्ट्रीब्यूटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे आजकल एडवांस टाइप के इंप्लीमेंट आ रहे हैं, लेजर हैरो कंप्यूटर के अलावा इस ट्रैक्टर में मिनी JCB भी लगा सकते हो, तो आपको ये मिल रहा है सुविधा डबल डिस्ट्रीब्यूटर की। और ट्रैक्टर में आपको हैंड ब्रेक आपको देख सकते हैं, SFC प्लेट जिसपे आपको आपके ट्रैक्टर की जानकारी मिल जाएगी। CAT 2 टाइप की ADDC इस ट्रैक्टर में आपको हाइड्रोलिक देखने को मिलेगी। पीछे की तरफ एक रात की के लिए अच्छी आपको बड़ी लाइट देखने को मिलेगी। और ये देख लीजिए ट्रैक्टर का एक्सल का जो मतलब कि इसको बनाने की जो खूबी है वो काफ़ी शानदार है, मजबूत इसका एक्सल है। मैंने कई किसान भाइयों से रिव्यू लिया, उन्होंने कहा इसका जो पीछे का लिंकेज है वो काफ़ी शानदार मजबूत लिंकेज रहते हैं, कोई ट्रैक्टर में कमी नहीं आती। और ट्रैक्टर में आपको 6 साल की इसकी खासियत मैं बता दूँ तो आपको 2 चीज़ देखने को मिलेगी, 6 साल और 6000 घंटे की वारंटी जो कि महिंद्रा और स्वराज के अलावा कोई नहीं दे रही। वारंटी में भी आगे, माइलेज में भी आगे, पावर और माइलेज का इस ट्रैक्टर में आपको एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। बैटरी बॉक्स भी आपको लोहे की बैटरी बॉक्स में प्रोडक्शन मिल जाएगी।
ट्रैक्टर में आपको थोड़ा लुक्स में जिसको अच्छा ना लगे तो वो मैं कह नहीं सकता, लुक्स में अच्छा भी है, सिंपल सोबर है, अपनी अपनी पसंद रहती है। बाकी इसमें और भी सीरीज आती है एरोडायनामिक, CRPTO देखने को मिल जाएगी जो मैंने आपको बताया था, CRPTO MRPTO भी ड्यूल क्लच ट्रैक्टर आपको देखने को मिलेगा। इस ट्रैक्टर में आपको पावर भी काफ़ी शानदार मिलेगा, पावर के साथ साथ माइलेज भी अच्छा मिलता है, और ट्रैक्टर का जो मेंटेनेंस खर्चा जैसे सर्विस वगैरह स्पेयर पार्ट वगैरह, तो आपको महिंद्रा से अलावा सबसे सस्ती सर्विस और स्पेयर पार्ट सबसे सस्ते कहीं नहीं मिलेंगे, और अवेलेबल हर जगह आपको महिंद्रा का स्पेयर पार्ट आपको मिल जाएगा डीलर के अलावा भी। ट्रैक्टर में एक्सेसरी आपको टूल, बम्पर, ब्लास्ट वेट, टॉपलिंग, कैनोपी आपको साथ साथ में ट्रैक्टर में मिलेगी। ट्रैक्टर में कोई कमी नहीं है। इंजन की बात करें, मैंने आपको पहले कहा टॉर्क बैकअप पावर इसमें 198 Nm की टॉर्क पावर मिल रही है ट्रैक्टर में, और चार सिलेंडर, सबसे बड़ी बात, चार सिलेंडर पावर 50 HP की कैटेगरी के ट्रैक्टर में आपको मिल रहा है, 2100 इंजन रेटेड RPM, 3054 CC पावर। तो ट्रैक्टर में कुल मिला के कोई भी कमी नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस किसान भाई के पास ये ट्रैक्टर है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ट्रैक्टर आपको कैसे लगता है, माइलेज कितनी है इस ट्रैक्टर की अलग अलग इंप्लीमेंट में जिसके पास रोटावेटर पे चला है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।